आज जानेंगे क्या होता है नगमा कथक में। नगमा या लहरा संगीत कला में संगत की दृष्टि से अपनाया गया है। इसकी संगीत में सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि गायक वादक नर्तक को ये ज्ञात होता रहे कि ताल कौन सी चल रही है। लहरा एक आवर्तन का होता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। नगमे और लहरे में क्या अर्थ है, अमूमन ये लोग नहीं जानते हैं। नगमे को लहरा बोल देते हैं, लहरे को नगमा बोल देते हैं, दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जैसे लहरा हमेशा हारमोनियम पे बजाया जाता है, अगर हारमोनियम प्लेयर आपके सामने बैठे हैं तो आप उनको कहेंगे कि लहरा दीजिए, लेकिन यदि आप सारंगी पे नगमे को रख रहे हैं तो आपको उनसे कहना होगा कि आप नगमा दीजिए, तीन ताल झप ताल या कोई भी ताल का नगमा दीजिए। यानी कि सारंगी पे बजाया जाने वाला एक आवर्तन का जो चक्र है किसी भी ताल का वो नगमा कहलाएगा, और अगर वही एक आवर्तन का चक्र किसी भी ताल का हारमोनियम पे बजाया जा रहा है तो वो लहरा कहलाएगा। एक बात और, यदि यही किसी भी ताल का एक आवर्तन का चक्र यदि तबले पे बजाया गया है तो आप उसे ठेका कहेंगे, और यही एक आवर्तन का चक्र किसी भी ताल का यदि नर्तक कर रहा है तो आप उसे तत्कार कहेंगे। आशा करती हूँ आपको हमारा छोटा सा ये नगमे का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए प्लीज़, जिससे ताकि आने वाले सभी सबक के जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको लगातार आते रहे। हमारे चैनल पे मेंबरशिप आई हुई है, यदि आपको लगता है नृत्य में कुछ विकास हमारे द्वारा आपका हो सकता है तो मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।